हेल्पलाइन पर। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण में मतदान आज, जहां विश्व की सबसे छोटी महिला ज्योति आमटे ने डाला वोट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया मतदान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया मतदान एवं मोहन भागवत ने भी किया मतदान। साथ ही साथ आशीष देशमुख ने पूरे परिवार के साथ किया मतदान। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान आज, जिसके चलते कम हाइट की छोटी महिला ज्योति आमटे ने नागपुर में वोट किया। सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और हमारे देश के लिए ये जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए एक अच्छे नेता आते हैं तो हमारे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, जो भी यंग है वो वोट नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें यही मैसेज दूँगी कि आज कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो वो करने के बाद या उसके पहले वोट करें, उसके बाद आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे परिवार के साथ किया मतदान, जहां उनकी माता एवं पत्नी के साथ धर्मपीठ परिसर केंद्र पर जाकर वोट किया और सभी को अपना वोट देने के हेतु कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार, इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने किया मतदान, सभी को वोट करने की सलाह दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मतदान करना हमारा कर्तव्य है। सर आपकी इच्छा और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए, अभी करेंगे बाद में करेंगे ऐसा उतना नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और मतदान करते समय हम राष्ट्र के भविष्य के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए देश की बागडोर दे रहे हैं। आशीष देशमुख ने भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट दिया। खास बात यह है कि तीन पीढ़ियां ने आज एक साथ मिलकर वोट किया है। यह मतदान का सिलसिला अभी भी जारी है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।